हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह और सारणिक में अंतर। आज हम देखेंगे कि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर होता है, आव्यूह क्या होते हैं और सारणिक क्या होता है। तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह MN राशियों का वह समूह होता है जो M क्रम और M पंक्तियों और N स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में हो। तो आव्यूह क्या होता है? MN राशियों का समूह होता है। इसमें M क्या होती है? पंक्तियां। और N क्या होते हैं? स्तंभ। और इनका क्रम क्या होता है? M क्रॉस N क्रम का समूह है जिसमें M पंक्तियां और N स्तंभ। इसका क्रम M क्रॉस N और ये क्या होता है? एक आयताकार के रूप में होता है। सारणिक क्या होता है? ये MN राशियों का वह समूह है जिसमें M पंक्तियां होंगी, एन स्तंभ होंगे, लेकिन ये क्या होगा? वर्गाकार रचना के रूप में होगा। आव्यूह को बड़े कोष्टक, दोहरे कोष्टक, नहीं दोहरे दंड या छोटे कोष्टक से निरूपित करते हैं और सारणिक को एकल दंड से निरूपित करते हैं। आव्यूह में यदि किसी नियतांक से गुणनफल किया जाए इसका, तो प्रत्येक अवयव से इसका गुणनफल होता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में प्रत्येक अवयव से उनका गुणा नहीं होता है, किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक कॉलम से होता है। तो किसी भी नियतांक का गुणनफल आव्यूह में होता है तो वो प्रत्येक अवयव के साथ होता है। ये जैसे k एक नियतांक है, इसका गुणनफल आव्यूह में करेंगे तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, लेकिन सारणिक में किसी भी नियतांक का गुणनफल किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक कॉलम अथवा किसी एक पंक्ति के साथ होता है। पूरे सारणिक में इसका गुणनफल नहीं होता है। किन्हीं भी आव्यूह का निश्चित संख्यात्मक मान नहीं हो सकता है, और सारणिक का निश्चित संख्यात्मक मान होता है। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन हल करते हैं। ये 7 1 7 -3 2 6, इसे फॉर्मूले से सॉल्व होके सारणिक का एक निश्चित संख्यात्मक मान निकलता है। पांचवा पॉइंट है, कोई भी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान अथवा असमान हो सकती है, लेकिन सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव बराबर होती है। यानी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकती है, यानी पंक्ति 2 और स्तंभ 3 हो सकते हैं, पंक्ति 3 स्तंभ 4 ऐसे हो सकता है, लेकिन सारणिक में पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी 2 और ऐसे, या तो वो 3x3 क्रम का होगा या 2x2 का सारणिक, और आव्यूह